विजय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, सॉल्व करना है हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू। गिवन है 3 to the power of x प्लस 3 to the power of y प्लस 3 to the power of z इक्वल्स 837। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों क्या है, जेड प्लस है यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तीनों एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एक्स इज स्मॉलर देन वाई, वाई इज स्मॉलर देन जेड। ये एक कंडीशन, दो कंडीशन है इसमें। जो लेफ्ट साइड में है 3 to the power of x प्लस 3 to the power of y प्लस 3 to the power of z, इससे हम क्या करेंगे, 3 to the first one term 3 to the power of x है तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो 3 to the power of x से और इसे डिवाइड भी कर दो 3 to the power of x। ओनली लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं। तब ये बनते हैं, ये 3 to the power of x इसको इंडिविजुअली डिवाइड को होना हो जाएगा, तो ये 3 to the power of x मल्टीप्लीकेशन में रहेगा और 3 to the power of x ये डिवाइडेड बाई 3 to the power of x बनेगा, प्लस यहाँ पर ये 3 to the power of y डिवाइडेड बाई 3 to the power of x बनते हैं, प्लस यहाँ पर 3 to the power of z डिवाइडेड बाई 3 to the power of x इज इक्वल टू 837 बन रहा है, राइट। तो ये दोनों 3 to the power of x 3 to the power of x निकल जाएगा, तो 1/1 रहेगा यहाँ पर, 1/1। तो ये बनते 3 to the power of x टाइम्स 1 प्लस 3 to the power of y डिवाइडेड बाई 3 to the power of x प्लस 3 to the power of z डिवाइडेड बाई 3 to the power of x इज इक्वल टू 837। इस 837 को हम ब्रेक करेंगे तो इसका फैक्टर्स क्या आते हैं वो देखेंगे। 837 का फैक्टर्स अगर निकालना है तो ये तो ऑड नंबर है लास्ट में, तो 8 3 से हो जाएगा, 3 2 6 23, 3 7 21 और 3 9 27, अगेन 3 से जाएगा तो अगेन 3 से 3 9 27, 3 3 9, अगेन 3 से जाएगा 3 3 और 3 1 0, यानी इसका जो फैक्टर्स है वो 3 to the power of 3 टाइम्स 31, ये इस नंबर का फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें 3 to the power of 3 टाइम्स 31 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो 3 to the power of x मतलब ये ऑड नंबर है, राइट। तो यहाँ पर ऑड को ऑड अगर डिवाइड किया तो ऑड आ जाएगा और ऑड को ऑड अगर डिवाइड किया तो ऑड आ जाएगा, तो तीनों ऑड अगर प्लस किया तो ये भी ऑड आ जाएगा। तो 3 to the power of 3 ये ऑड है और 31 तो क्लियरली दिख रहे हैं ये भी ऑड नंबर है, राइट। तो ये 3 to the power of x को 3 to the power of 3 को इक्वल कर दो और इसे इसको इक्वल कर दो और इसे इसको इक्वल कर दो, तभी 3 to the power of x इज इक्वल टू 3 to the power of 3 बन रहे। और दूसरा ये 1 प्लस 3 to the power of y डिवाइडेड बाय 3 to the power of x प्लस 3 to the power of z डिवाइडेड बाय 3 to the power of x इज इक्वल टू 31 बन रहे, ठीक है। यहाँ पर बेसिस सेम है, इक्वल साइन है, तो पावर अपने आप में मल्टीप्लीकेशन इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल्स 3, हमें x का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया। x का वैल्यू मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, x इक्वल्स 3 और y इक्वल्स क्या आते हैं और z इक्वल्स क्या आते हैं वो भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो इस सेकंड में आ जाइए, सेकंड में 1 प्लस है इसमें, तो यहाँ पर माइनस 1 कर दो, इसमें भी माइनस 1 कर दो, ये प्लस 1 माइनस 1 निकल गया, तो 3 to the power y प्लस 3 to the power z डिवाइडेड बाई ये 3 to the power of x दोनों में कॉमन है, इक्वल्स यहाँ पर 31 माइनस 1 मीन्स 30 बनते हैं, तो डिवाइड बाई 1 समझो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तभी ये बनते हैं 3 to the power of y प्लस 3 to the power of z इज इक्वल टू 30 टाइम्स 3 to the power of x, राइट। तो 3 to the power of y प्लस 3 to the power of z इज इक्वल टू 30 टाइम्स 3 to the power of x का वैल्यू 3 है, लेकिन ये 30 को अगर हम फैक्टर किया तो 2 15 30 और 3 से 5 5 से 1, यानी 2 × 3 × 5 हो रहे हैं। तो इसमें अगर यहाँ पर 3 to the power of y प्लस 3 to the power of z इक्वल्स 30 को 2 × 5 × 3 करेंगे और ये 3 to the power of 3 लास्ट में है। तो ये दोनों अगर मिल गया तो इसका पावर 1 है, तो पावर 1 है, तो अगर प्रोडक्ट रूल यूज़ किया इस पे तो ये बनते हैं 2 5 10 टाइम्स यहाँ पर क्या बन रहे हैं 3 to the power of 4, ठीक है। तो यहाँ पर 3 to the power of y प्लस 3 to the power of z
इज इक्वल टू 3 to the power of 4, 10 times 3 to the power of 4 हम यहाँ पर आ जाएंगे अभी। तो अगेन यहाँ पर क्या कर दो, फर्स्ट टर्म 3 to the power of y है इसमें, तो इस इक्वेशन को अगेन यहाँ पर क्या कर दो, 3 to the power of y से मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिवाइड भी 3 to the power of y से कर दो, ये दोनों कटोगे तो ऊपर का वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं 3 to the power of y टाइम्स 3 to the power of y डिवाइडेड बाई 3 to the power of y प्लस, क्योंकि ये 3 to the power of y इन दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड हो जाते हैं, 3 to the power of z डिवाइडेड बाई 3 to the power of y राइट इज इक्वल टू 3 to the power of 4 टाइम्स 10। तो यहाँ पर ये दोनों कट कर दो, 3 to the power of y 3 to the power of y का, तो यहाँ पर 1/1 आ जाएगा, तो 3 to the power of y टाइम्स 1 प्लस 3 to the power of z डिवाइडेड बाई 3 to the power of y इज इक्वल टू 3 to the power of 4 इंटू 10 बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 to the power of y ये ऑड नंबर है, ये ऑड हो गया, और 3 to the power of 4 यहाँ पर क्या कर दो, 3 to the power of odd ऑड को ऑड किया तो ऑड ही आता है, 1 प्लस अगर किया तो इवन आ जाता है राइट। 3 to the power of 4 ये भी ऑड आ जाएगा, 3 3 9 3 3 9 9 81 81 और ये है इवन नंबर, तो इवन को इवन इक्वल कर दो और 3 to the power of y ये ऑड को ऑड इक्वल कर दो, तब ये बनता है 3 to the power of y इज इक्वल टू 3 to the power of 4। दूसरा क्या बन रहे हैं, 1 plus 3 to the power of z डिवाइडेड बाई 3 to the power of y इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों सेम है, बेस 3 3 और पावर इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल्स 4, तो हमें y का वैल्यू 4 मिला, तो यहाँ पर मैं y का वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर -1 ये दोनों तरफ -1 कर दो, ये +1 -1 निकल जाएगा, तो हमें मिल रहे 3 to the power of z डिवाइडेड बाई 3 to the power of y इज इक्वल टू 10 - 1 - 9। क्वेश्चन टू रिलीज कर दो, a to the power of m डिवाइडेड बाई a to the power of n इक्वल्स a to the power of m - n। ये आइडेंटिटी क्वेश्चन टूल अगर यहाँ पर यूज किया तो बेस सेम है, तो 3 to the power of z - y इक्वल्स 9 बन रहे, इस 9 को मैं 3 to the power of 2 करूँगा तो 9 ही होते हैं। अगेन यहाँ पर देखो इक्वल साइन है, बेस सेम है या दोनों में, और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो पावर इक्वेट हो जाएगा, z - y इक्वल्स 2। तो ये y ये साइड में करूँ, क्योंकि y का वैल्यू हमें मालूम है, और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, z - y इज 4 इज इक्वल टू 2, प्लस 4 कर दो दोनों में, -4 + 4 निकल गया, तो z का वैल्यू हमें मिल रहे 6, तो z इक्वल्स 6, x इक्वल्स 3, y इक्वल्स 4, z इक्वल्स 6 सॉरी, x इज 3 है, मैं 3 लिख लेता हूँ, y का वैल्यू यहाँ पर 4 लिख ले रहा हूँ, और z का वैल्यू 6 लिखता हूँ, तो 3 इज स्मॉलर देन 4 और 4 इज स्मॉलर देन 6, यानी ये सेकंड इक्वेशन को भी, सेकंड कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई है, और फर्स्ट इक्वेशन को तो हाई है राइट। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे, क्या है, x इक्वल्स 3, y इक्वल्स 4 एंड z इक्वल्स पॉजिटिव 6। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 3 to the power of x प्लस 3 to the power of y प्लस 3 to the power of z इज इक्वल टू 837, ठीक है। तो 3 to the power of x मीन्स 3 है, प्लस 3 to the power of y इज 4, प्लस 3 to the power of z इज 6, क्या इन तीनों का समेशन 837 बनेगा। 3 to the power of 3 मीन्स यहाँ पर 27, 3 to the power of 4 मीन्स 81 बनते हैं, प्लस 3 to the power of 6 मीन्स यहाँ पर 729 बनते हैं। अब देख लो, तो क्या इन तीनों का समेशन 837 है, यस तीनों का समेशन 837 ही बनते हैं, 837 इज इक्वल टू 837, यस ट्रू, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब x इक्वल्स 3, y इक्वल्स 4 एंड z इक्वल्स 6, ये चारों वैल्यूज, सॉरी ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।